सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज के वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले, सो प्लीज़ आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहे। तो गाइस, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जैसे नया स्मार्टफोन खरीदते हैं तो अपने पुराने वाले स्मार्टफोन से ईमेल आईडी नया स्मार्टफोन में लॉगिन करते हैं और वहाँ से पुराने वाले फ़ोन से लॉग आउट करते हैं। तो गाइस, फिर भी आप लोग देखते हैं कि पुराने वाले फ़ोन में आपका ईमेल आईडी बहुत जगह शो करता ही है, और जैसे कि या तो अपने फ्रेंड के फ़ोन में आप लोगों ने अपने ईमेल आईडी को लॉगिन करते हैं और वहाँ से लॉग आउट करने के बाद आपका कहीं ना कहीं आपका ईमेल आईडी वहाँ से शो करता है। तो ऐसे में डर बना रहता है कि हमारा ईमेल आईडी कहीं हैक ना हो जाए। यूट्यूब ओपन करने के बाद जैसे हम लोग प्रोफाइल पे जाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं नीचे वाले में सबसे एक जो ईमेल आईडी है लास्ट में 332 है, ये हमारा नहीं है, दूसरे का ईमेल आईडी है। तो यहाँ पर भी अब शो कर रहा है, तो इसको कहाँ से हम लोग डील करेंगे कि यहाँ हर जगह से मतलब ईमेल आईडी डिलीट हो जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग किस तरह से अपने ईमेल आईडी उस फोन से परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, सो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लिए। चलिए वीडियो को सीधे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अपना सेटिंग ओपन करेंगे एंड देन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बैलेंसिंग अकाउंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोग स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप लोग गूगल दिखाई देगा, तो गूगल पर हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो गाइस, जैसे हम लोग अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ईमेल आईडी शो कर रहे हैं। तो मान लीजिए हमारा जो ऊपर वाला ईमेल आईडी है, ये मेरा ईमेल आईडी नहीं, इसको यहाँ से फ़ोन से हमेशा के लिए डिलीट करना है, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। इंतर यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर नीचे आप लोगों को बीच में मोर का ऑप्शन दिखा देगा, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर लोग देख सकते हैं रिमूव अकाउंट, तो दोस्तों यहाँ से हम लोग इसको रिमूव अकाउंट कर देंगे। तो यहाँ पर देख पढ़ सकते हैं थोड़ा, रिमूव दिस अकाउंट विल डिलीट ऑल ऑफ इट्स इमेजेस कॉन्टैक्ट्स और अदर डाटा फ्रॉम द फोन। तो यहाँ पर रिमूव अकाउंट ओके कर देंगे। तो गाइस, फाइनली ये जो ईमेल आईडी था हमारा, इस फोन से हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे अपने प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि देखिए वहाँ पर, यहाँ पर भी इसका ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, यानी वो हमेशा के लिए डिलीट हो गया। अब यहाँ पर अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे भी ओपन करेंगे और यहाँ पे भी उसको शो कर रहा था ईमेल आईडी को, अब यहाँ पे भी शो नहीं कर रहा, यानी वो ईमेल आईडी हमारे फोन से हमेशा के लिए डिलीट हो गया। तो आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों को बहुत सर पसंद है, सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं ऐसे नॉलेज एंड टेक्निकल अगले वीडियो में।